और आपके हर एक परेशानी
मोदी की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में है नहीं, इसी की वजह से मोदी मोदी की सरकार है। आज किसी की बातों को माना सोशल से एक सीट अपनी बात नहीं है, आज इंसान को पहले मारा इंसान निकाल रहे हैं उनको सही सलामत सही भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस क्षेत्र में यानी मेरे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी तस्लीम बानो के रूप में दी है। ये हमने भी फैसला किया है कि हम मुसलमानों के करीब जाना चाहते हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे करीब आए। और आवाज पहुंच रही है, अरे आवाज हमने आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है, हम चाहेंगे कि आप भी दो कदम हमारी तरफ बढ़ाएं, तब देखिएगा कि दस हमारे कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे निश्चित रूप से। यह भी आपने देखा होगा जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास हो रहा है। अगर मोदी जी ने कहीं आयुष्मान कार्ड बांटा है तो धर्म नहीं देखा, जो गरीब था उसके आयुष्मान कार्ड पहुंचा है। अगर गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर मुफ्त में बांटे हैं तो धर्म या जाति नहीं देखी, जो गरीब था उसके यहां पहुंचा है। आज गंगा जल आगरा में आया है, आप लोगों की दुआओं से मैंने प्रयास करके लाया हूं। मैंने ये नहीं देखा कि प्यास ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की, प्यास इंसान की होती है। जहां जहां पानी की पाइपलाइन पड़ी है वह गंगा जल पहुंच रहा है, स्वच्छ पानी आप सबको मिल रहा है जहां जहां पानी की लाइन है, जहां नहीं है वहां डलवाई जा रही है। तो मित्रों हमारा कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ऐसे ही अगर फ्री राशन कार्ड राशन बट रहा है तो वो राशन फ्री करके गरीबों को दिया जा रहा है, इसमें भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर हमारी सरकार हर घर को राशन दे रही है जो गरीब है। सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं और अब तो आप ही की बिरादर की एक हमने प्रत्याशी भी दी है। ये आजमाइश का मौका है, आप इनको चुनेंगे तो ये गलियों की जो दुर्दशा दे रहे हैं देख रहे हैं आप, ये भी नहीं देखने को मिलेगी। और मुझे शिकायत है आप लोगों से कि अगर आप पहले इस गलियों में मुझे ले आते, मैं कई बार बाहर से बाहर लौट जाता था, तो ये गलियों की हालत ये नहीं होती चाहे कुछ भी होता। और जब आपके पहले इंजन की सरकार दे देंगे हमको, यानी हमको तस्लीम बानो पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में हेमलता जी, विधायक आप लोगों ने मुझे चुनाई है, सांसद बघेल साहब है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से विकास होंगे। ये मेरा वादा नहीं, मेरा आपको विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको। धन्यवाद। वार्ड नंबर 15 में आप आए हैं प्रत्याशी के प्रचार में, क्या कहेंगे, कैसे समर्थन मिल रहा है मुस्लिम बहुल क्षेत्र यहाँ से? हमारी प्रत्याशी तस्लीम बानो है और इनको अपार समर्थन यहाँ की जनता दे रही है। माननीय मोदी जी और योगी जी, इनके जो कृतित्व है, जो इनके कार्य हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, और उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उदाहरण के तौर पर अगर उज्ज्वला गैस मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले हैं तो फिर किसी धर्म या जाति को नहीं देखा गया, हिंदू है मुसलमान नहीं देखा गया, हर एक को मिले। यदि आयुष्मान कार्ड मिले हैं तो जो गरीबों के जो जरूरतमंद थे सबको मिले हैं, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा था उन्होंने। इसी तरह जब ये राशन बट रहा है, फ्री राशन योगी सरकार और मोदी सरकार का जो बटा वो हर घर में गरीब घर में पहुँचा है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। आज इसका असर हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ कभी हमको एक कार्यकर्ता नहीं मिलता था, आज हमारे साथ जनसैलाब चल रहा है। और ये परिवर्तन का प्रतीक है कि ये परिवर्तन होने जा रहा है देश में। अब मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तो तस्लीम बानो को प्रत्याशी देकर उनसे जुड़ने का अपनी पहल कर ही दी है। ठीक, किसी की बहकावे मत आना और ना किसी को वोट देना। तस्लीम बानो को देना।
हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, समस्या है, सड़क टूटी है, तो आगे चलते चलिए। हमारे क्षेत्र का विकास आपके क्षेत्र का विकास आप जनता पार्टी करेगी, कोई भी आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। देखिए मित्रों, चार तारीख को नगर निगम के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके क्षेत्र से तस्लीम बानो के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता दी है, प्रत्याशी बनाया है इनको। हम आपकी तरफ दो कदम चले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप दो कदम हमारी तरफ चलेंगे और इनको वोट देकर जिताएंगे। अगर आपने इनको जिताया तो हम 10 कदम आपकी तरफ चलेंगे, हमारा वादा है आप। मेरे नेता मोदी ने, योगी ने जो कुछ दिया इस देश की जनता को, उसमें भेदभाव नहीं किया कभी। यदि उन्होंने बेघर को घर दिए तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन जाटो है। उन्होंने हर एक जो भी जरूरतमंद था उनको घर दिया, जिनको शौचालय नहीं थे जिनके घरों में, ये फिर धर्म का, हिंदू है, मुसलमान का, ईसाई का, हर एक को जो गरीब था जिसको आवश्यकता थी उनको दिया। जनधन योजना में सब लोगों को खाते खुलवाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता हो, जो लोन की स्कीम आई बेरोजगारों के लिए, सबके लिए आई, अन्न बटा है, कोरोना काल से लेकर अब तक जो राशन बटना चला आ रहा है, हर गरीब को मिला है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। यह दिया है मेरे नेताओं ने। हमारे नेताओं की कथित रूप में जो लोग अब तक थे चुपराम रहे, उन्होंने ये कभी नहीं किया कि हर एक का भला हो। अब हमारी आपको हमने तस्लीम बानो को प्रत्याशी दिया है। इस क्षेत्र को पिछले वर्ष तो मैंने देखा है, अब तक आपने यहाँ पर पार्षद सुनते आए, मैं अब गलियों में निकला तो मैंने देखा कि पार्षदों ने क्या किया है अब तक। लेकिन तस्लीम बानो को पार्षद बना दीजिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि एक साल के अंदर यहाँ का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, यहाँ की गलियां ठीक हो जाएंगी। आपने सुना और मैं गंगा जल लेकर आया, आगरा के पानी के लिए समस्या को दूर किया। एक अच्छा पानी, स्वास्थ्यवर्धक पानी, इसमें भेदभाव नहीं किया हमने, क्योंकि प्यास ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की, प्यास इंसान की होती है। हमने हर एक के घर पानी पहुंचाया है, गंगा जल हर एक के घर आ रहा है। आयुष्मान कार्ड मिले होंगे गरीब लोगों को इलाज कराने के लिए, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये हर एक को समझ कर मुसलमान हो, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, भारत का विकास,
ठीक है सर, ठीक है।